बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम ये 14 अगस्त की छोटी बेबी की फ्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए हमने इसको साइज के मुताबिक कट कर लिया है। हमने बिबन मान इसमें से कटिंग कर दी है। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है, जिसको हमने 2.5 इंच की लेंथ में गोलाई में काट दिया है। ऊपर से इसका हमने 2 इंच की लेंथ में और 2 इंच की चौड़ाई में गोल गला काट लिया है। इसको हम रहता कर देंगे। जो दरमियान वाला पीस लेके हम इसको कागज पे ट्रेस लेंगे। ये हमारी बैक की पेटी है, जिसको हमने फ्रंट की पेटी से तकरीबन 1 इंच बढ़ा के काटा है। इसी में से हम बैक की बटन पट्टी बनाएंगे। ये हमने कागज लिया है और उसको इस पे ट्रेस लेंगे। ये हमने गला अपना बिब के साइज का काट लिया है। अब हम इसको नीचे से सिलाई का तकरीबन 1 पैर पे बढ़ा के निशान लगा लेंगे, जो के हमारा नीचे वाली पेटी के साथ सिलाई होगा। ये बिब पे हम टिश्यू लगाएंगे। इस तरह से टिश्यू को सिलाई लगा के हम पहले कच्चा कर लेंगे। एंड पे हम फ्रॉक के नीचे व्हाइट कलर की फ्रिल लगा देंगे, जिसको हमने दोनों साइड से सिलाई लगा लिया है, ब्रीक फोल्डिंग कर ली है। अब हम गला बनाएंगे। कागज पे हमने जो अपना गला ट्रेसा था उस पे हम ये टिश्यू रख के इसको पहले कच्चा कर लेंगे सिलाई लगा के। फालतू कागज को कटिंग करके खत्म कर लेंगे। दरमियान में से हमने जो निशान गले का लगाया था उसको कटिंग करके गोल करके गला बना लेंगे। ये हमारा बिब बन के तैयार है। अब हम इसमें ग्रीन कलर की मगजी करेंगे। मगजी लगाने के लिए हमने कपड़े को गलाई में काट लिया है। हम अरेबदार मगजी भी लगा सकते हैं। कपड़े को पलट के मगजी बना लेंगे। साथ साथ हम इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे। गोल गले में मगजी हमने इस तरह से कर ली है। अब हम नीचे वाली पेटी तैयार करेंगे। ये हमारी नीचे वाली पेटी है, जिसको हमने इस साइज का काट लिया था। इसी साइज का हमने नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा कट करके रखा है, जिसको हम लगा के ऊपर सिलाई लगा के पलट देंगे। गलाई में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कपड़े को उल्टी साइड पे पलट के प्रेस करके नीट कर लेंगे इसको। हम इसको अपने साइज के मुताबिक रखते हुए
माप के सिलाई लगाएंगे। पांतू जो होगा दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। पहले हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के ऊपर ऊपर हम व्हाइट कलर की लेस लगा के ये सिलाई को नीट कर लेंगे। लेस लगा ली है हमने। अब हम अपने टिश्यू को ऊपर लगाने के लिए बटरफ्लाई बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक पैर की पट्टियां सिलाई लगा के सीधी कर ली है, प्रेस कर लिया है। लेंथ में हमने 2 इंच का इनको काट लिया है। 2 इंच की लेंथ में हमने इनको काट लिया है। अब हम इसकी बटरफ्लाई बनाएंगे। बटरफ्लाई बनाने के लिए हम पहले दरमियान में इसको फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करके टांका लगाएंगे। इसके ऊपर ऊपर छोटे छोटे से टांके लगाते हुए दूसरी साइड पे आ जाएंगे। ये हमारी दूसरी पट्टी है, इसको भी उसी तरह से हम दरमियान में फोल्ड करते हुए ऊपर नीचे रख के उसी के साथ जोड़ते हुए इस तरह से टांका लगा लेंगे। ये हमने अपनी दोनों पट्टियों को इस तरह से सिलाई कर लिया है। दोनों पट्टियों को इस तरह से सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेंगे। इनके ऊपर से धागे को बल के चुंटे बना लेंगे। दोबारा से सुइयों को निकाल के इस तरह से हमारी बटरफ्लाई बन जाएगी। ऊपर हम व्हाइट कलर का फल लगा लेंगे। जिसको हम डबल टांका लगाते हुए सिलाई कर लेंगे। ये हमारी छोटी सी बटरफ्लाई, इसको हम फूल भी कह सकते हैं, थोड़ा सा खींच के लहदा लहदा कर लेंगे इस तरह से। ये बाकी सारी भी हमने इसी तरह से बना ली है। अब हम उस पे रख के निशान लगा के इनको सिलाई कर लेंगे। ये हमारा दरमियान का निशान है। इस तरह से रखते हुए इस तरह से हम चौक से निशान लगा के सुई की मदद से बाद में इन्हें सिलाई कर लेंगे। एक एक को उठाते जाएंगे और उसकी जगह पे निशान लगा लेंगे। अब हम इनको सिलाई लगा लेंगे इस तरह से।